हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक पुराने टॉपिक में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने शिमला मनाली डे 3 का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ में एक बिजली महादेव के टेंपल के बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम शिमला मनाली के बिजली महादेव टेंपल के स्टोरी। दोस्तों, भारत में भगवान शिव के बहुत ही अद्भुत मंदिर है। इन्हीं में से एक है कुल्लू में स्थित बिजली महादेव का टेंपल। दोस्तों, कुल्लू का पूरा इतिहास इस बिजली महादेव के टेंपल के ऊपर स्थित है। दोस्तों, व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंची पहाड़ के ऊपर ये बिजली महादेव का टेंपल है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसे मान्यता है कि ये पूरी कुल्लू घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है जिसका वध भगवान शिव ने किया था। दोस्तों, जिस स्थान पर यह मंदिर है वहाँ हर 12 सालों में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से शिवलिंग टूट के बिखर जाता है और वहाँ के जो शिव पुजारी है वो क्या करते हैं, खंडित शिवलिंग को मक्खन के साथ फिर से जोड़ देते हैं और कुछ ही महीनों में शिवलिंग वापस पहले जैसा हो जाते हैं। दोस्तों, इस जगह पर हर 12 सालों में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले एक कुलांत नाम का एक दैत्य रहता था जो कि कुल्लू के पास की नागर धार से अजगर का रूप लेकर मंडी से होता हुआ मथान गाँव आ पहुँचा। दोस्तों, दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर व्यास नदी के धारा को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका कारण यही था कि यहाँ में जीव जंतु सारे मर जाए। दोस्तों, भगवान शिव ने कुलांत का इस सोच से चिंतित हो गए और बहुत ही कोशिश करने के बाद उन्होंने कुलांत का विश्वास जीता। उन्होंने कहा कि कुलांत की पूँछ पर आग लग गई है और जब ये देखने के लिए कुलांत पीछे मुड़ा तो भगवान शिव ने त्रिशूल से कुलांत के सर पर वार कर दिया। त्रिशूल के वार से कुलांत मारा गया और उसके मरते ही उसका विशालकाय शरीर ये पूरे कुल्लू घाटी में बदल गया। दोस्तों, ऐसे माना जाता है कि बिजली महादेव के टेंपल से लेकर रोहतांग, दर्रा और धोखधार तक का जगह पूरा कुलांत के शरीर से बना हुआ है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम कुल्लू पड़ने का कारण यही है कि ये जगह कुलांत के शरीर से बना हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस जगह पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है। दोस्तों, कुलांत को मारने के बाद भगवान शिव ने इंद्र से कहा कि हर 12 सालों में वो यहाँ पर बिजली गिराया करे ताकि कुलांत फिर से जाग ना जाए। यही कारण है कि यहाँ पर हर 12 सालों में बिजली गिरती है और बिजली शिवलिंग पर गिरने से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है और पंडित जी की मदद से उसको वापस बना दिया जाता है। तो आइए अभी बात करते हैं कि शिवलिंग पर बिजली क्यों गिरता है। दोस्तों, बिजली शिवलिंग पर इसलिए गिरता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते थे कि जन धन या मनुष्यों को इस बिजली से हानि हो, इसलिए वो बिजली अपने ऊपर गिरा लेते थे। इसीलिए भगवान शिव को यहाँ में बिजली महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि भाद्रा के महीना में यहाँ में बहुत बड़ा मेला लगता है और शिवरात्रि में भी यहाँ भक्तों का बहुत लंबी लाइन होती है। तो दोस्तों, सिर्फ शिवरात्रि में ही नहीं, साल के 12 महीने यहाँ में यात्रियों का भीड़ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बिजली महादेव का टेंपल का स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट में बताएं कि हम आगे कहाँ घूमने के लिए जाएं। थैंक यू।